हेलो गाइस, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एनीमे क्यों बेस्ट होता है और क्यों इंडियन कार्टून इतने बेकार होते हैं, क्यों हम लोग को एनीमे देखना चाहिए और क्यों इंडियन कार्टून को हमें नहीं देखना चाहिए। आजकल के बच्चे ज़्यादा मोटू पतलू पेपा पिग छोटा भीम यही सब ज़्यादा देखते हैं, उन लोग को क्यों नहीं देखना चाहिए। और आई ऑल्सो रोस्टेड इंडियन कार्टून्स यार, जितने भी इंडियन कार्टून चैनल्स थे उस पर अब धीरे धीरे एनीमे दिखाना एकदम से बंद कर दिए जा रहे हैं। ड्रैगन बॉल जी, बेबलेट, कोचिकामी ये सब तब देखने के लिए नहीं मिलता है टीवी में, और सड़े सड़े पूरे इंडियन कार्टून्स ही भरते जा रहे हैं। मोटू पतलू छोटा भीम गट्टू बट्टू कुछ भी नाम रख के कुछ भी कर देंगे यार इन लोग। इतना बेकार कंटेंट, इतना बेकार ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन तो होती नहीं है, सब बस समोसा खा के लड्डू खा के मारते रहते हैं, किसी को भी हवा में उड़ा देंगे, वो गाड़ी इधर से उधर पटक देंगे कुछ भी। अब किसी को समोसे की खुशबू में आसमान में उड़ते हुए देखना या फिर हाथ लंबे करते हुए देखना या फिर किसी को एक पंच में ही हवा में उड़ जाना, खजूर के पेड़ में लटक जाना और एकदम लंबे हो जाना अचानक से, यार ये सब देखने से तो आईक्यू लेवल बढ़ेगी नहीं। और यही सब दिखाता है ना इंडियन कार्टून में, मोटू पतलू हो गया, छोटा भीम, पता नहीं बेकार ये सब कार्टून में। एनीमे क्यों बेस्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग एनीमे देखते हैं तो हम लोग एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, हम लोग को सब कुछ रियलिस्टिक लगने लगता है, हम भी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी बेबलेट होता ऐसा जिससे हम लोग अपने फ्रेंड लोग से फाइट कर पाते, उसमें स्पिरिट होता, काश हमारे पास भी गोकू की पावर होती, काश ये भी पोकेमॉन वर्ल्ड होता, काश हमारे पास भी डोरेमॉन होता, यार ये सब हम लोग को बहुत रियल लगने लगता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है देखने में। जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं यार। बेस्ट स्टोरी लाइन होती है एनीमे में, बेस्ट ग्राफिक्स होते हैं, बेस्ट एनिमेशन होता है, एडवेंचर एक्शन, वो हर चीज़ होता है जो एनीमे को देखने पे मजबूर कर दे हम लोग को। मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, ये कल ही की बात है जो मेरे साथ हुआ, कि कल मेरा भाई टीवी देख रहा था तो निक में वो मोटू पतलू देख रहा था, फिर मैं आया, मैं बोला कि कुछ और लगा दे, तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं इसी को देखूंगा, तो मैं बोला कुछ और लगा दे, कार्टून में ही लगा दे लेकिन कुछ और लगा दे, डोरेमोन शिनचैन लगा दे, मोटू पतलू मज़ा नहीं आएगा देखने में। फिर वो एकदम ज़िद करने लगा, फिर मैं बोला भाई देख लेते हैं, क्या ये देखता क्या है इसको दिन भर मोटू पतलू को, मैं भी तो देखूं आखिरकार ये देखता क्या है। पूरा एपिसोड देखने के बाद ना मेरे को लगा भाई मैं क्यों देखा इसको क्यों, मैं बताता हूँ उस एपिसोड में क्या हुआ था। आप लोग देखे होंगे, जो लोग मोटू पतलू देखे होंगे ये वाला एपिसोड शायद, वो भी मैं अनजाने में देख लिया, मेरे को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं सोचा मेरा भाई देखता क्या है मोटू पतलू में, ऐसा क्या खास चीज़ है, तो इसलिए मैं देखने लगा। तो उस एपिसोड में क्या होता है कि मोटू और पतलू जासूस रहते हैं और उन लोग दूसरे देश गए रहते हैं जासूसी करने, और उन लोग को आर्मी कमिश्नर भेजा हुआ था जासूसी करने के लिए, तो उन लोग वहाँ पर जाते हैं जासूसी करते हैं, तो उन लोग को एक बात पता लगता है कि आज उन लोग हमला करने वाले हैं हम लोग के देश के ऊपर। तो फिर पतलू फ़ोन लगा के बता देता है कमिश्नर को कि आज हमला होने वाला है, आप लोग पूरी तैयारी के साथ रहिएगा। फिर क्या होता है कि गलती से ना उन लोग को दूसरे देश वाले को पता चल जाता है कि मोटू पतलू दो जासूस घुस आए हैं, तो हम लोग एकदम पकड़ने के लिए आते रहते हैं, तो मोटू पतलू एकदम भागते रहते हैं। फिर मेरे को लगा अरे वॉर लगता है बहुत ज़्यादा लड़ाई होगा, एक दूसरे के टैंक वैंक फाइट होगा, गन फाइट होगा, देखते हैं क्या होता है इसमें, मैं ऐसा सोच रहा था। फिर क्या होता है हम लोग भागते भागते थक जाते हैं मोटू पतलू, फिर उतने में मोटू बोलता है मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है पतलू तुम ही सोचो। फिर पतलू के पास आइडिया आता है, फिर पतलू बोलता है कमिश्नर को फ़ोन लगा के, आर्मी कमिश्नर को, कि आप जल्दी से जेट प्लेन से समोसे डिलीवर कीजिए, जल्दी से समोसे भेजिए। फिर मैं सोचने लगा भाई समोसा क्यों मंगा रहे, एकदम वॉर का वो होने वाला है, वॉर होने वाला है, एक दूसरे के बीच में फाइट होने वाला है, यार ये समोसे बीच में क्यों मंगा रहा है। कमिश्नर भी बोलता अभी जंग होने वाला और तुम समोसे मंगवा रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो ऐसे करके। मैं सोचा कि हम लोग समोसे क्यों मंगवा रहे हैं, फिर मैं सोचा कि कहीं हम लोग की आखिरी इच्छा होगी, क्या पता हम लोग मरने वाले होंगे इस जंग में, ये सोच के शायद हम लोग समोसा मंगवा रहे हैं। मैं भी सोचा कि चलो ठीक है। फिर हम लोग डॉक्टर झटका को फ़ोन लगाते हैं और फिर बोलते हैं आप जल्दी से समोसे भेजिए उस उड़ने वाले कार में। तो फिर क्या होता है हम लोग कार से समोसे गिराते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एनीमे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, पहले भी था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हर कंट्री अपने टेलीविज़न पे एनीमे को दिखाना चाहती है, क्यों, क्योंकि वो इतना बेहतरीन है ही यार, तो अब एनीमे की मांग बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि जो एनीमे है वो अपना रेट बढ़ा चुका है, मतलब अब अगर उससे राइट लेते हैं हम लोग, एक भी एपिसोड का राइट लेते हैं हम लोग या फिर किसी एनीमे का राइट्स लेते हैं इंडिया वाले, तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और उससे जो चैनल्स हैं उन लोग को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे इंडियन कार्टून खुद ही बनने लगे हैं और इसको बंद कर दे रहे हैं।
एनीमे को। पहले के टाइम पे मुश्किल से सिर्फ एक ही इंडियन कार्टून चलता था, वो भी छोटा भीम। लेकिन आज के टाइम पे यार लिटिल सिंघम, मोटू पतलू, गट्टू बट्टू, चाचा चौधरी, क्या है ये, पता नहीं क्या क्या कुछ भी नाम रखे पड़े हैं और फिर निकाले पड़े हैं सड़ा सड़ा एनिमेशन। और ये हम लोग को सस्ता पड़ता है, यही सब गट्टू बट्टू ये सब बहुत सस्ता पड़ता है हम लोग को। और बल्कि एनिमे लेंगे और फिर उसको हिंदी में डब करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ना बंद करते जा रहे हैं एनिमे को टेलीविज़न में दिखाना। उधर दूसरे देश वाले टैंक वैंक गन वन लेके पूरा पहुंच गया है और मोटू भैया वन मैन आर्मी बन के जाता है बिना किसी गन वन के, और फिर गन वन से बचते हुए जाता और टैंक को उठाता, इधर पटकता उधर पटकता, जैसे कपड़ा वपड़ा नहीं पटकते हैं कपड़ा को धोते वक्त, तो वैसे ही वो उठा उठा कर टैंक को पटकने लगा। लोगों को एक एक मुक्का में हवा में उड़ जा रहे थे वो लोग, और उधर इतनी बड़ी फौज को अकेले मोटू बिना गन वन के टैंक को उठा उठा के पटक दे रहा था, बाप रे, और पूरा उधर ख़त्म कर दिया। मैं सोचा भाई दूसरे प्लैनेट से होगा, लगता है ये कोई एलियन वेलियन होगा, तब इतना समोसा खा के ताकत आ रहा, जैसे जादू को सूरज की रोशनी में सनलाइट से ताकत नहीं आ जाता था, मेरे को लगा शायद दूसरे प्लैनेट से समोसा खाने से ताकत आता होगा। उसके बाद फिर वो एपिसोड ख़त्म हो गया। मैं सोचा कि भाई पूछ लेता हूँ अपने भाई से, बहुत ज़्यादा मोटू पतलू देखता है, तो मैं पूछा ये मोटू पतलू आए कहाँ से हैं, किस जगह से आए हैं हम लोग। उसके बाद मेरा भाई बोलता है कि मोटू पतलू तो फुरफुरी नगर से आए हैं। उसके बाद जो मैं हंसा, मेरे को इतना हंसी आया ना, इतना हंसी आया ना, मतलब क्या है यार ये दिखाना क्या चाहते हैं बिना स्टोरी लाइन के कुछ भी। अरे स्टोरी लाइन भी था ही नहीं और कुछ भी दिखाए पड़े थे। नहीं यार यहाँ मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है कार्टून के नाम पे, फिजिक्स की तो ऐसी की तैसी करते ही हैं, साथ में कुछ भी दिखाते हैं जिसमें कि IQ लेवल ना बच्चों की कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। कोई लॉजिक ही नहीं था यार, कोई लॉजिक ही नहीं था कि एक जन पूरी आर्मी से लड़ जाए, वो भी टैंक को उठा दे, इतना भारी टैंक, उसको टैंक को उठा दे पटक दे एक दूसरे के ऊपर, क्या था भाई वो, मेरे को इतना गंदा लगा ना देखने के बाद। इसलिए मैं ना इंडियन कार्टून को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। इसको तो छोड़ो, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड में कुछ भी मूवी निकले उसका लिटिल वर्जन निकाल कर रहेंगे। हाँ लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम, गोलमाल जूनियर, नहीं कुछ भी, इंडियन कार्टून के पास तो खुद की स्टोरी है नहीं, तुम लोग बॉलीवुड से कुछ भी ले लाते हैं सस्ते में पा रहे हैं। नहीं यार ये कार्टून वाले ना प्लान बना के रखे हैं कि पूरा बॉलीवुड का लिटिल वर्जन निकाल के रहेंगे, तो 10 साल का प्लान है कि 10 साल के अंदर में ना, अभी पैसे की कमी है फिलहाल, तो यही 2-3 लिटिल सिंघम और गोलमाल जूनियर, लिटिल कृष्ण निकाल पा रहे हैं, लेकिन 10 साल के अंदर में ना लिटिल PK, लिटिल बजरंगी भाईजान, लिटिल सुल्तान सब आएगा एक एक करके, और फिर कार्टून नेटवर्क या फिर कार्टून चैनल में पूरा सड़ा के धर देंगे यही इंडियन कार्टून्स। कम से कम खुद की तो स्टोरी लाइन लिखो यार, खुद कुछ करो, हर चीज़ चुराना ही है। और उसके बाद मैं जो देखा भाई, मेरे को लगा मेरा आँख क्यों नहीं फूट गया उसको देखने से पहले। वो समोसा किसी पॉलीथिन में नहीं गिराया था, वो समोसा एक एक करके खुला समोसा गिरा रहा था, और मोटू फिर डाइव लेते हुए हवा में 4 समोसा बिना सांस लिए खा गया। मैं बोला यार क्या बकवास हो रहा है यार, इसमें एक ही सांस में बिना हवा में ही खा लिया समोसा। उसके बाद तो भाई हद ही पार हो गया उस कार्टून में, हद ही पार कर दिए। अब मैं बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है इंडिया में। जो पहले का टाइम था 2008, 9, 10, 11 और 15 तक, ये इस टाइम में इंडियन के जितने भी कार्टून चैनल्स से सब पे बहुत ज़्यादा एनीमे दिखाया करता था हिंदी में। डोरेमोन, सिंचन, हगी मारू, बेबलेट, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर, कोची कामी, पावर रेंजर्स और बहुत सारे ऐसे एनिमे दिखाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे दिखाना बंद कर दे रहे हैं। क्यों? यही सेम कंडीशन है इंडिया के बच्चों का, हम लोग कभी एनिमे देखे ही नहीं, कभी हम लोग पॉकीमॉन, ड्रैगन बॉल जी देखे ही नहीं, तो उनको मोटू पतलू ही अच्छा लगेगा ना। और बच्चों का सिर्फ एकमात्र सोर्स होता है इंटरटेनमेंट का, जो होता है TV, सिर्फ हम लोग TV देख सकते हैं, ठीक है, तो और TV में सब दिखाते ही नहीं है यार। जो बच्चा मोटू पतलू और ये गट्टू बट्टू का फ़ैन है ना यार, मैं 101% बोलता हूँ कि अगर वो मेरे साथ बैठ के या फिर जो भी ड्रैगन बॉल जी और पॉकीमॉन ऐसे एनीमे को देखा है उसके साथ बैठ के ना, अगर वो एक दिन ही ना अगर बैठ के उसको देख लेना एनीमे को, तो वो फ़ैन हो जाएगा उस चीज़ का, और फिर वो ये सोचेगा कि यार मैं पहले क्यों नहीं देखा इसको। बट यार अब वो TV में दिखाता नहीं है, और अगर आप लोग फ़ोन वोन में दिखाएंगे डाउनलोड करके तो बच्चे ज़्यादातर देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो माहौल नहीं आता जो हम लोग TV में देखें, वो फील नहीं आएगा फ़ोन में देखने में। तो यार हम लोग को रियल एनीमे से लोगों को वाकिफ कराना है, जो इंडिया में रहते हैं उन लोग को वाकिफ कराना है कि आखिरकार एनीमे है क्या और इंडियन कार्टून इतना बेकार क्यों है। और यार एक और रीज़न है कि मैं इंडियन कार्टून को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, क्योंकि यार इंडिया में ना इंडियन कार्टून की वजह से ना एनीमे बदनाम है।
जितने भी यार 15 के ऊपर के साल के होंगे, 15 साल से ऊपर के होंगे, उन लोग को ये सुनने को मिलता होगा, उनके दोस्त बोलते होंगे कि भाई तू अभी तक बच्चा है, अभी तक तू क्या बोलते हैं कार्टून देखता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम लोग एनीमे देखते हैं, हम लोग ड्रैगन बॉल्स ही देखते हैं, हम लोग डेथ नोट देखते हैं। यार वो अपने बचपन में पेपा पिक देख के बड़ा हुआ, तो उसकी ऐसी सोच होगी ना। अभी हम लोग ड्रैगन बॉल जी, पॉकीमोन ये सब तो देखे ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड सपोर्ट एनीमे और इंडियन कार्टून को तो देखना ही बंद कर दो, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे बेकार चीज़ कुछ नहीं होता। अगर किसी के भाई बहन है जो मोटू पतलू देखते होंगे, तो मैं उन लोग को रेकमेंड करता हूँ कि उन लोग को ड्रैगन बॉल जी, पॉकीमोन ऐसे एनीमे को दिखाओ, जिससे कि उन लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उन लोग कुछ सीखेंगे भी। मैं आप लोग को गोल्ड डायमंड से सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था, आप लोग रियल में उसको गोल्ड मत समझ लीजिएगा इंडियन कार्टून को। अगर रियल लाइफ में अगर हम लोग चेक करें कि क्या औकात है इंडियन कार्टून की ना, तो अगर एनीमे डायमंड है तो इंडियन कार्टून पैर की धूल है, इतना बेकार है इंडियन कार्टून्स। इंडिया रियल बताऊँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है इंडियन कार्टून और एनीमे में, क्योंकि एनीमे बहुत आगे है और इंडियन कार्टून कुछ भी नहीं है। कहाँ एनीमे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और कहाँ इंडियन कार्टून सिर्फ इंडिया में, वो भी बच्चे देखते हैं जो आज तक एनीमे नहीं देखे हैं।